बिहार विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन रहा, लेकिन हंगामा जोरदार देखने को मिला, जहां विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि 200वें सत्र आज समापन हो रहा है, लेकिन इस सत्र में कुल 22 बैठकें आयोजित हुई। वहीं इस सत्र के कुल 1030 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 922 प्रश्नों को स्वीकृत भेजा जा चुका है और जो बच गई है उसको भी भेजवा देंगे। सत्र का आज समापन हो रहा है और इस सत्र के में इसके सभापति के रूप में मैंने इसको प्रेजाइड किया, तो ये बहुत ही गौरव की बात है और बहुत कम लोगों को इस तरह का सौभाग्य और गौरव प्राप्त होता है। तो इसके लिए तो सबको धन्यवाद मैं देता हूँ कि इसको सफल बनाया। आप लोग मीडिया वाले लोग हैं और बाकी सब पत्रकार जो लोग हैं इसमें सहयोग किए इसको सफल बनाने के, इससे आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो प्रश्न की बात आप लोग करते हैं, तो 1030 प्रश्न की सूचना यहाँ पर प्राप्त हुई, हमारे सचिवालय को प्राप्त हुई, जिसमें 922 प्रश्नों का को स्वीकृत किया गया यहाँ पर और 434 प्रश्न उत्तरित हुए। इसमें एक तो ज़्यादा और भी उत्तरित है, एक तो बात आ जाती है कि ये शिक्षा सदन इसको लोग कहते हैं अपने प्यार से प्रेम से, या क्योंकि ज़्यादा यहाँ शिक्षाविद लोग हैं तो उस प्रश्न में थोड़ा सा देर होती है, नहीं तो और प्रश्न का भी उतरता है। वो समाधान तक पहुँचना चाहे बड़ी बढ़िया बात है, समाधान तक लोग पहुँचना चाहते हैं और जनता देख रही है कि हमारे शिक्षाविद लोग क्या कर रहे हैं, तो इस कारण कुछ उत्तरित प्रश्नों की संख्या कम हुई। और जो भी रह गया है, ये परंपरा है हम लोगों की कि जो प्रश्न उत्तरित नहीं होते हैं उसको अगले सत्र में हम लोग भेज देते हैं अपने डिपार्टमेंट को, अगला सत्र शुरू होता है तो उसको कॉपी बना करके उसका उत्तर हम लोग समर्पित करते हैं, सबको देते हैं। TNT न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।